हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि सूट का नाप कैसे लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने जो सूट है अपना खूब अच्छी तरीके से बिछा लिया है प्रेस करने के बाद, क्योंकि प्रेस करके ये अच्छा नाप लिया जाएगा। देखो, इस तरह से सारी सलवटें हम इसकी खोल देंगे साफ करके बिल्कुल। और देखो, ये हमने जो है एक गत्ते पर कटिंग किया इसकी, और ये पैन, ये दो चीज़ें। अब हम इसको साथ साथ नाप लेके आपको सिखाएंगे। देखो, इंची टेप हमें यहाँ से रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और बिल्कुल सीधा यहाँ पर लेके आएंगे। देखो, ये हमारा 35.5 इंच है, ठीक है। तो हम 35.5 इंच लिख लेते हैं। और अब लेंगे हम चेस्ट का नाप, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके ये बिल्कुल यहाँ पे कोने में लगाना है, जहाँ पर हमारी बाजू है चढ़ी हुई, यहाँ से और यहाँ तक दूसरी साइड तक, आप देख सकते हैं। ये है 19 इंच, तो हम 19 इंच लिख लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम कमर का नाप। आप देखो, ये भी हमें इसी तरह लेना, ये है हमारे 17.5 इंच। देखो, यहाँ से और यहाँ तक 17.5 इंच। और अब लेते हैं हम हिप का नाप। ये हिप है हमारे 20 इंच, ठीक है। और अभी अभी मैं तुम्हें समझा देती हूँ साथ के साथ। जैसे कि हमने ये यहाँ से हमारा आया है, ये हमारा आया है 19 इंच। तो जब हम सूट का नाप लेंगे, तो हम ये 19 इंच हो गया हमारा, तो आपको इस तरह से ये आप बहुत जल्दी से इसका हिसाब लगा लोगे। इस तरह से ये हमें 9.5 का लगाना है। इसमें हमें ना कोई घटाना है ना बढ़ाना है, क्योंकि हमने ये कमीज का नाप लिया है। तो ये जब हम चार भाग में इस तरह से हम सूट की कटिंग करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके, ये चार तय हो जाती है हमारी, तो हम 9.5 का निशान लगाएंगे, तो 19 इंच हो जाएगा। और इसी तरह से ही हमें ये जो हमारे कमर का नाप है, ये भी हमें जो हमारे यहाँ पे देखो, ये 17.5 आया है, तो हमें 17.5 का इस तरह से हाफ करके कमर का निशान लगाना है। और ये जो हमारा 20 आया है हिप का निशान, तो ये यहाँ से हमें, ये भी हमें ऐसे फोल्ड करके 20 पे, और ये हमारा 20 के ये आधा हो जाता है हमारा 10। तो ये यहाँ से हमें हिप के निशान 10 का लगाना है। और जो हमारा मार्जिन है वो हमें आगे की साइड छोड़ना है, ये हमारे फिटिंग के निशान है, ठीक है। अब आपको इसी तरह से ये नाप ले कर लिखना है, पहले लंबाई, फिर चेस्ट, फिर कमर और फिर हिप। अब लेते हैं हम दामन। अब देख सकते हो, दामन हमारा 20 है। देखो, नॉर्मली होता है जितना हमारा हिप होते हैं ना, उतने ही हम बिल्कुल सीधा दामन होता है हमारा। तो ये 20 हमारा, 20 का निशान जो हमारा ऊपर का आया है, और 20 ही हमारे इसका दामन है। अगर आप कोई चौड़ा पल्ला पहनते हैं, तो आप उसमें 1 इंच और बढ़ा लेना, नहीं तो 20 इंच ये तैयार है। ये जो हमारा मार्जिन का मोड़ने का है, ये हमारा अलग से है, ठीक है। अब आप आ जाओ ऊपर की साइड, आप देख सकते हैं, ये है हमारा 13, ठीक है। ये हमारा है 12.5, हम इसको 13 की कटिंग करेंगे, 13। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्जिन हमें बढ़ाना नहीं होता, सिर्फ इतना बढ़ाना होता है कि 0.5 इंच से भी कम, जिससे कि हमारा बस सिलाई में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे आस्तीन। यहाँ से हम आस्तीन नापेंगे और यहाँ तक, ये हमारी 19.5। तो हम 20 इंच लेंगे, और 20 इंच के आगे हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे मोड़ने का, जो कि ये हमारी अंदर से फोल्ड हुई हुई है, ठीक है। अब हम लेंगे मोहरी, जो हमारे आगे से, ये है हमारी 9। तो ये हमारी 9 है, तो हम 9 के जब हाफ करेंगे, तो हम 4.5 का निशान मोहरी का लगाएंगे। और अब लेते हैं हम गला। और ये है हमारा गला। तो गला हम कभी भी इस तरह से नहीं लेंगे कि ये इस तरह से या इस तरह से, थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस करके लेंगे ऐसे, ठीक है। देखो, आप देख सकते हैं, ये हमारा 7 इंच का गला तैयार है। तो हमें ये 7.5 इंच काटना है, 0.5 इंच हमारा यहाँ से चला जाएगा, तो 7 इंच हमारा तैयार रहेगा। और इसी तरह से हमें पीछे के गले का लेना है। पीछे का गला हमारा है 6.5 इंच का,
ये भी इसी तरह से लेना है। तो ये हमारा कमीज का नाप था, आप अच्छे से समझ लेना जैसे हमने बताया है, ऐसे नाप लेके और एक गत्ते पे लिख लेना है कागज पे, और फिर जब कटिंग करोगे तो फिर इसको इसी तरह से आपको देख के सीखना है। और तब भी आप नाप लोगे कमीज का तो आपको क्या करना है, मोबाइल ऑन करके रखना है और उसमें देखते रहना है और सीखते रहना है। बस ये इस कमीज़ का नाप था, अभी मैं सलवार का भी बता दे रही हूँ, इसी में आप सलवार का भी इसी में सीख लेना। तो अब लेते हैं हम सलवार का नाप। सलवार का नाप मैं लेना आपको बताऊंगी और आपको अच्छे से देखना है। देखो ये हमारी बेल्ट वाली सलवार है, हमें ऐसे बिछाना है इसको। पहले तो हमें ये चीज़ मिलानी है, जो हमारे ये जो पैंचा है बिल्कुल सही मिलाना है, और फिर इस तरह से बिल्कुल सेंटर मिलाना है। ये नहीं करना कि कभी इस तरह से कर लो या फिर इस तरह से कर लो, इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। तो हमें ये सेंटर पकड़ना है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से जैसे हम प्रेस की क्रीज जमाते हैं बिल्कुल सीधी, ये वाला सेंटर हमें ये बेल्ट का यहाँ से पकड़ के सीधा करना है बिल्कुल। अब जो जहाँ से हमारी सलवार तैयार है नेफे की तरफ से, उधर से हमने इंची टेप रखा है, आप देख सकते हैं ये हमारी सलवार की लंबाई है 36, ये 36 इंच की सलवार है हमारी। तो हमें यहाँ तक पूरा देखना है, और ये जो हमारा नेफा मुड़ा हुआ है ऊपर से, यहाँ से हमने इसकी लंबाई ली है बिल्कुल सीधा करके। बस इसकी एक लंबाई का ही होता है, सलवार की एक लंबाई का ही निशान होता है, और ये होता है हमारा मोहरी का निशान। 12 इंच की मोहरी है इसकी, लंबाई 36 और ये 12, तो ये हमें लिख लेनी है। सलवार की लंबाई 36 लिख लेनी है और मोहरी 12, जितनी भी आए 39, 36, 35 वो लिख लेनी है। और अब लेते हैं बेल्ट का नाप इस तरह से, और इस कोने से इस कोने तक ये 23.5 है। इसी तरह से बेल्ट का नाप लेना है। तो सलवार के जो नाप होता है वो हमारा 3 है, एक मोहरी का नाप है, एक लंबाई का नाप है और एक बेल्ट का नाप है। ये तीनों चीज हमें लिख लेनी है। अब आपने देख लिया होगा कि किस तरह से नाप लिया जाता है, उसी तरह से आपको भी नाप लेके देखना है और सीखना है। तो आज हमने आपको सिखाया है कि सूट से और सलवार से कैसे नाप लेते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, और आपको नाप लेके देखना है, और देखो जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से आपको लिखना है और ट्राई करनी है। और मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।